हेलो गाइस, आज हम बाज़ार जैसे घर पर ही फूले फूले भटूरे बनाएंगे। भटूरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी मैदा, एक चम्मच सूजी, एक चम्मच चीनी, नमक स्वाद अनुसार, आधी चम्मच बेकिंग सोडा को डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है, उसमें उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच दही डाली है, उसके बाद मैंने 1 गिलास दूध लिया। दूध को हम थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से डो लगा लेंगे। अच्छे से आटे को गूंथने के बाद उसमें हम रिफाइंड ऑयल दोबारा डालकर अच्छे से गूंथ लेंगे दोबारा से। उसके बाद हम इसको गीले कपड़े से ढककर 2 घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। अब हमारा आटा गूंथ कर तैयार है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अब मैंने पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसमें सूखी मैदा के साथ अच्छे से कोट करके हम भटूरों को बेल लेंगे। अब हमारे भटूरे बेल कर तैयार है। अब हम रिफाइंड ऑयल को गरम कर उसमें भटूरे को डाल लेंगे। भटूरे को फुलाने के लिए हम भटूरे को चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर। अब हमारा भटूरा बनकर तैयार है, बाजार जैसा फूला फूला। आपको मेरी भटूरों की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी मेरी वीडियो देख रहा है प्लीज़ बताइए आपके घर में भटूरे खाने किसको पसंद है। मेरे घर में तो मेरे छोटे बेटे